इस गाड़ी के अंदर अडेप्टिव सस्पेंशन आता है जो कि सड़क के रोड के हिसाब से खुद ही जो है वो एडजस्ट हो जाता है, अपने आप कर लेता है। अगर रोड पे स्मूथ है सर के थोड़ा सा सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है ताकि गाड़ी की ग्रिप बेहतर रहे, और अगर रोड पे आपको इनको नज़र आ रहा है कि गाड़ी को के पत्थर ज़्यादा है या वो इस तरह की रोड है तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट होकर मतलब ये कर जाता है। सब कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ BMW खुद ही कर लेती है। और ज़रा इस डिस्क का साइज़ चेक करें और इस ब्रेक कैलिपर का साइज़ चेक करें, मुझे लगता है 13 इंच का तो ब्रेक कैलिपर है इस गाड़ी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आपका भाई आपके लिए आज वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव एक ही कार है इस स्पेक्स में के अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो गाड़ी है जी BMW की 8 सीरीज। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 25 साल पहले BMW ने इसको बंद कर दिया था, और ये उस वक्त BMW की फ्लैगशिप सेडान होती थी। उसके बाद 7 सीरीज आती थी लेकिन उसे नीचे रही, लेकिन BMW ने इसको 2019 में दोबारा लॉन्च किया और 8 सीरीज के अंदर डिफरेंट वेरियंट आते हैं। ये जो वीडियो के अंदर मैं आपको गाड़ी दिखाने आया हूँ ये गाड़ी है जी 850i xDrive, जो के अंदर ऑप्शन भी काफी ज्यादा है। तो 2019 का मॉडल है, तकरीबन 500 किलोमीटर गाड़ी चली, मतलब ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इतनी तो हमारे यहाँ पे शोरूम वाले गाड़ियां चला के हमें बेच देते हैं, सस्ती भी नहीं है। $1,00,000 से इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस होती है। इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा ऑप्शन जो है वो ज्यादा है, और ये गाड़ी तकरीबन $1.5-2 लाख तक जाती है। अगर पाकिस्तान में इसकी कन्वर्जन करें तो ये बहुत महंगी आपको पड़ेगी। आप डॉलर का रेट ही कर ले, 280-285 रुपए में तो डॉलर का रेट ही जा रहा है, तो उसके अलावा इसके ऊपर तकरीबन 500% से ऊपर ड्यूटी भी पड़ती है। तो इस तरह की सारी चीजें आती है। तो सबसे ज्यादा हम तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सनशाइन ट्रेडिंग पाकिस्तान का, उन्हीं की गाड़ी वहां पर आई है, तो स्पेशल थैंक यू पहले उनका बनता है। अच्छा जी, इंजन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस गाड़ी की जो जान है, इस गाड़ी का बोनट बहुत लंबा है। तो इसके अंदर है जी 4400 cc, मतलब 4.4 लीटर V8 ट्विन टर्बोचार्ज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाड़ी जर्मन हो और उसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन पावर प्रोड्यूस करती है, और BMW का क्लेम है। और ये ड्राइव करती है ऑल फोर व्हील ड्राइव में, क्योंकि एक्स ड्राइव वाला वेरियंट है और ये रियर व्हील ड्राइव वाला वेरियंट है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं बने हुए हैं ये बंद है। जब गाड़ी को हवा चाहिए होती है इंजन को रेडिएटर्स को, तो ये खुद ही खुल जाते हैं सेंस करके, और ये जो है ये गाड़ी की मतलब वैसे ये बंद रहते हैं ताकि ड्रैग कम हो, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो। ग्रिल बहुत बड़ी है, लोगो BMW का सामने कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत है 8 सीरीज़ की, और ये 8 सीरीज़ के अंदर ही है। किसी भी और BMW की आप गाड़ी देखें ना, उसमें आपको इस तरह की लाइट नहीं मिलती। सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं लेकिन जो 8 सीरीज़ की है ना, ये स्पेशल अलहदा ही हैं, और ये इनकी फ्लैगशिप गाड़ी है। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊँ ना जरा बोनट देखिए, वैसे भी सेल्फ गाड़ी बहुत बड़ी है, कूप है लेकिन काफ़ी बड़ी गाड़ी है, फुल साइज़ की गाड़ी है। रिम आप देखें ना तो रिम इसके बड़े खूबसूरत हैं। ये एम स्पोर्ट वाले कैलिपर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एम स्पोर्ट का है जो BMW की रेसिंग आती है, और बिल्कुल पिद्दू सा छोटू सा टायर है और फिरेली का टायर है। अगर मैं आपको टायर प्रोफाइल बताऊँ इसकी, 245/35 R20 ये फ्रंट में है, और बिल्कुल आप देखें ना रिम के साथ छोटा सा टायर लगा हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर अडेप्टिव सस्पेंशन आता है जो कि रोड के हिसाब से खुद ही जो है वो एडजस्ट हो जाता है, अपने आप कर लेता है। अगर रोड पे स्मूथनेस है मतलब सीधा रोड है तो ये बिल्कुल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है ताकि गाड़ी की ग्रिप बेहतर रहे। और अगर रोड पे आपको इनको नज़र आ रहा है कि गाड़ी को के पत्थर ज़्यादा है या वो इस तरह की रोड है, तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट होकर मतलब ये कर जाता है। सब कुछ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ BMW खुद ही कर लेती है। और जरा इस डिस्क का साइज चेक करें और इस ब्रेक कैलिपर का साइज चेक करें, मुझे लगता है 13 इंच का तो ब्रेक कैलिपर है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आ जाए, ये बड़ी महंगी चीज़ है, ये जी ऑप्शनल कार्बन फाइबर है। और कार्बन फाइबर के इसके दो फायदे, एक तो ये लाइट वेट है, दूसरा ये कि खूबसूरत बहुत लगता है। और ये पूरे का पूरा कार्बन फाइबर वाला रूफ है, ये ऑप्शनल होता है इस गाड़ी के अंदर, ये लाइट वेट है और ये मजबूत भी ज्यादा होता है। बाकी पूरी स्लोप है गाड़ी के अंदर, छोटा सा क्यूट सा स्पॉइलर दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा 850i और एक्स ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है, और ये गाड़ी ऑलमोस्ट न्यू है। ऑलमोस्ट मतलब इतनी तो डीलरशिप वाले हमारे गाड़ी यहाँ पे चला के दे देते हैं। दो एग्जॉस्ट यहाँ पे हैं, दो एग्जॉस्ट उस तरफ है, पार्किंग सेंसर है, सारा ग्रे फिनिशिंग के अंदर दिया हुआ है। और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, छोटी नहीं है गाड़ी, खूबसूरत होने के साथ साथ सादा भी है, मतलब सिंपल है गाड़ी को, इतने ज़्यादा कट्स नहीं है। जितनी सिंपल बना सकती है BMW उतनी इसको सिंपल किया है। इसके अलावा BMW ने हवा के फ्लो को बेहतर करने के लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं वाइड बॉडी पूरे फेंडर्स बनाए हुए हैं ताकि हवा का जो फ्लो है वो और ज़्यादा बेहतर रहे और गाड़ी जो है वो शूं करके निकल जाए। कार की चाबी है जी, इसके अलावा इसकी एक डिस्प्ले की आती है जो अभी अवेलेबल नहीं है, और ये बैकअप की है। इसके अलावा डिस्प्ले की होती है जिससे गाड़ी जो है वो सारा कंट्रोल करती है। अंदर एंटर होने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये सारा जो है ये खूबसूरत लाल रेडर आप लेदर देख रहे हैं, और इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो भी हार्मन कार्डन के, बहुत सारी BMW की गाड़ियों के अंदर यही चीज़ आती है। इसके अलावा मेमोरी सीट्स हैं, यहाँ पे BMW 850 आई है जो कि स्टार्ट होने पर लोगो जो है वो चल पड़ता है, ऊपर भी पेपर लगा हुआ है, गाड़ी ब्रांड न्यू है इसलिए। और इसी तरह जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह आपको एहसास होता है कि बहुत ही नीचे बैठे हैं, और इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है कि दरवाज़ा बंद करें हम इसका
तो ये BMW का स्टीयरिंग व्हील नया आता है, पैडल शिफ्टर्स हैं बड़े बड़े और ऊपर बड़ी ही खूबसूरत हाई क्वालिटी की स्क्रीन है जिसके ऊपर अभी भी पेपर लगा हुआ है 850 लिखा हुआ है। पूरी एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको देता है, इस तरफ लाइट्स के कंट्रोल हैं और इस तरफ आ जाएं तो ये सारे का सारा जो है ये सारा लेदर है, नीचे लेदर है और जो इंटीरियर कलर है वो बहुत ही प्यारा है, आपके भाई का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। छत जो है वो ब्लैक है कार्बन फाइबर के साथ, मिरर है, इसके अलावा स्क्रीन जो है वो काफ़ी बड़ी दी हुई है, सब बहुत सारे बटन हैं, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स और इनकी जो क्वालिटी है आय हाय 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 क्या यार हाई क्वालिटी है इनकी। फिनिशिंग इतनी ज़बरदस्त और इतनी कमाल की BMW ने की है, यहाँ पे भी लेदर लगा हुआ है, वायरलेस चार्जिंग है, इसको हम यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं और ऊपर वुड फिनिश चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। दो कप होल्डर हैं यहाँ पे, ड्राइव मोड है वो भी सारे BMW M स्टाइल के बनाए हुए, M सीरीज का डायल है यहाँ पे, आपको ड्राइविंग मोड देते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये हर चीज़ BMW ने बहुत आसान दी है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत ये देखें आर्मरेस्ट बना हुआ है, तो ऐसी ये गाड़ी यहाँ पे BMW ने सामने ऑप्शन दिया, अगर आपको सर्दी लग रही है तो यहाँ पे आप बटन दबा के सेटिंग स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑन कर सकते हैं और इसको और ही ज़्यादा सर्दी में इंजॉय कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग का टच है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, दरवाज़ा खुलने के साथ आता है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा और यहाँ पे भी नज़र आएगा, वो सारी चीज़ें जो आपको गाड़ी स्टार्ट करने पर मिलती हैं। सारी की सारी गाड़ी जो है वो रेड एंड ब्लैक के अंदर फिनिश की है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। फ्रंट में कंप्लीट आपको लंबर स्पोर्ट प्लस मसाजर मिलता है ड्राइवर पैसेंजर दोनों की साइड पे और जो सीट्स की क्वालिटी है वो इतनी कमाल की है और जो कॉम्बिनेशन है सीट्स का, इसके अलावा पीछे भी सीट्स मौजूद हैं लेकिन वो सीट जो है वो छोटे बच्चे के लिए हैं और ये जो है बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है ये दे रही है। आय हाय 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 क्या सोनी गाड़ी है, खूबसूरत प्यारी गाड़ी, देख के तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि एक टाइम पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जब यहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ कॉमन और हमारे यहाँ पे हर टीनेजर को इस तरह की गाड़ियाँ मिलें। रमज़ान के अंदर मैं आपको दुआ कर रहा हूँ, दिल से दुआ है भाई हम सब लोगों को इस तरह की गाड़ियाँ नसीब हो, सिर्फ देखने के तक ना रहें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।